गुड इवनिंग एवरीवन। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एक्टिव से जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो जनरली अ सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैसिव वॉइस। जनरली हम उसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बना सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट क्रिया होता है। सेकंड बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। थर्ड पॉइंट, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट हम जो लेंगे, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट इज प्रेसिडेड बाय कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले हमें बाय का प्रयोग करना होता है। एंड लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बी इन पैसिव वॉइस, अर्थात जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो फॉर्म मेन वर्ब की दी होती है वही हमें बी में काम में लेनी होती है। तो चलिए अब हम इस चार्ट की बात करते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग टेंसेस को अलग अलग तरह से पेश किया गया है, और इस प्रकार से हमारे पास काफ़ी पैटर्न्स बन जाते हैं। लेकिन हम इन पैटर्न्स को जितना शॉर्ट कर सकते हैं, जितना इजी बना सकते हैं बनाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अच्छा हो कि हम पहले इन दो टेंसेस को अच्छे से समझ लें। अगर ये दोनों अच्छे से समझ में आ जाते हैं, विशेष करके एक ही प्रेजेंट सिंपल अगर एक समझ में आ जाता है तो बाकी बहुत आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं प्रेजेंट सिंपल। जैसा कि आपको ध्यान है, प्रेजेंट सिंपल की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसे इजेमर प्लस थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। और अगर यही पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल की पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी, इजेमर की जगह वॉज वर हो जाएगा। अब हम इन दोनों टेंसेस को एक साथ ही देखते हैं। शी कुक्स फूड, सब्जेक्ट के बाद जब भी अपन फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल है, और जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो फूड अपने पहले ले लिया है, और ऑब्जेक्ट को लगाने के बाद सेंटेंस बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर दीजिए। शी सब्जेक्ट है, ये बाद में जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल का मतलब हुआ कि उसकी पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इजेमर थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। तो फूड इज, और कुक की अपने कर दी थर्ड फॉर्म कुक्ड, और लास्ट में जब कुछ नहीं बच रहा है तो हमने बाय हर लगाया है। अगर यही सेंटेंस पास्ट सिंपल में हो जाता है, शी कुक्ड फूड, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने सेकंड फॉर्म लगा दी है, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का हुआ। और पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस किससे बनाते हैं अपन, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो है फूड, और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो फूड। और जैसा कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट उठाने के बाद वाक्य को बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। शी क्योंकि सब्जेक्ट है ये लास्ट में जाएगा। अब पास्ट सिंपल है तो वॉज कुक्ड बाय हर। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल हमने लिया है, वी प्रिंट पेपर्स। पेपर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट सिंपल का ये टेंस है। तो पेपर्स को हमने पहले लिया पेपर्स, और फिर जैसा कि मैंने बताया इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते, पेपर्स आर प्रिंटेड बाय। इसी को जब हमने पास्ट सिंपल में लिया तो पास्ट सिंपल में केवल इतना सा चेंज आएगा कि इजेमर की जगह हमें क्या करना है, वॉज और वर। तो पेपर्स वर प्रिंटेड। अब रिमेनिंग हमारे पास जो भी पैटर्न्स रहे हैं उनको केवल इन तीन बातों से आप अच्छे से समझ सकते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई गलती होने का चांस नहीं है। आपको टेंस देखने की जरूरत नहीं है, ये भी पहचानना नहीं है कि ये कौन सा टेंस है। अब ये तीन पैटर्न जो सामने लिखे हुए हैं केवल इन तीन का आप ध्यान रख लीजिए। मैंने पहले ही बता दिया कि जब भी हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर किसी भी टेंस की, किसी भी मॉडल की अगर पैसिव वॉइस बनानी है तो आपको टेंस देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इतना सा ध्यान रख लीजिए कि उस सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में ली गई है। अगर फर्स्ट फॉर्म ली गई है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस फर्स्ट फॉर्म को बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर पहले से ही थर्ड फॉर्म आ गई है तो पैसिव वॉइस बनाते समय बीन प्लस थर्ड फॉर्म कर देना, और अगर सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म आ गई तो उसको आईएनजी को बी में लगाएंगे हम, बीइंग बन जाएगा, और फिर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आपको पैसिव वॉइस में करनी होगी। इन वर्ड्स को एक बार फिर से देखिए। मान लो कि आपके सेंटेंस में वर्ब आ गया राइट, तो राइट क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो हमने बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दी बी, और फिर इसको थर्ड फॉर्म कर दिया। इसी प्रकार से रिटर्न, आप जानते हैं कि थर्ड फॉर्म है तो बी के अंदर थर्ड फॉर्म हमने लगाई है, और फिर बीन लिख करके हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया, बीन रिटर्न। इसी प्रकार से थर्ड एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि आईएनजी फॉर्म दी हुई है, तो वही आईएनजी फॉर्म आपको बी में लगानी होगी, बीइंग,
और फिर थर्ड फॉर्म का मिलेनियम। अब इनको सेंटेंसेस में देखिए, वी राइट लेटर्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल है तो इसकी पैसिविस हमने किससे बनाई है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म से बनाई है। लेटर्स आर रिटन बाई अस, वी रोट लेटर्स, रोट सेकेंड फॉर्म है तो पास सिंपल हो गया, और पास सिंपल के पैसिविस हम वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म से बनाते हैं, इसीलिए हमने लिखा है लेटर्स वर रिटन बाई अस। फिर थर्ड सेंटेंस देखिए, वी आर राइटिंग लेटर्स, यहाँ पर वर्ब की आई एन जी फॉर्म दी हुई है, लेटर्स आर बींग रिटन बाई अस। लेटर्स क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हमने सबसे पहले लिया, फिर वाक्य को स्टार्ट किया तो आगे आर हमें मिल रहा है, फिर आई एन जी फॉर्म है तो बी के अंदर हमने आई एन जी लगाई है, और राइट की थर्ड फॉर्म कर दी रिटर्न, और जब कुछ नहीं बचा तो हमने बाई अस यहाँ पर लगाया है। इसी प्रकार से फोर्थ सेंटेंस में देखिए, वी वर राइटिंग लेटर्स, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि आई एन जी फॉर्म दी हुई है, तो आई एन जी का देने का मतलब हुआ कि हमें बींग प्लस थर्ड फॉर्म काम में लेनी पड़ेगी, लेटर्स वर बींग रिटन बाई अस। इसी प्रकार से फिफ्थ सेंटेंस में देखिए, वी हैव रिटन लेटर्स, यहाँ पर नंबर फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ में तीनों सेंटेंसेस में रिटन दिया हुआ है, रिटन अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मीनिंग हुआ कि अगर पैसिविस बनानी है तो बीन रिटन हमें करना पड़ेगा। अब देखिए फिफ्थ सेंटेंस क्या है हमारे पास, वी हैव रिटन लेटर्स, लेटर्स ऑब्जेक्ट हुआ लेटर्स, और फिर जैसा कि अपन वाक्य को एकदम से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो वी लास्ट में जा रहा है, हैव आया तो हैव लगा दिया, रिटन थर्ड फॉर्म में बीन किया है, और फिर रिटन पहले से थर्ड फॉर्म है बाई अस। इसी प्रकार से वी हैड रिटन लेटर्स, तो लेटर्स हैड बीन रिटन बाई अस। फिर We will have written letters. Letters will have been written by us. Number 8 sentence में देखिए, write दिया हुआ है, write verb की first form है, first form आने का मतलब क्या हुआ कि जब passive voice बनाएंगे तो be written हमें करना पड़ेगा, अब object हमारे पास है letters, तो letters helping verb हुआ will, और first form है इसलिए हमने be लगा दिया है, letters will be written by us. We must write letters, यहाँ write की ये first form है तो पैसिव जब बनाई तो हमने बी रिटर्न किया है। टेंथ एग्जाम्पल में अगर देखते हैं तो हमें मिलता है कि रिटर्न यहाँ पर लिखा हुआ, रिटर्न थर्ड फॉर्म हो गई है, तो वैसे ही जैसा कि अपन शुरू से करते आ रहे हैं, लेटर्स को हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिया, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट लेटर्स, और ऑब्जेक्ट उठाने के बाद हमने वाक्य को एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, वी लास्ट में जाएगा, शुड आया तो शुड लिखा गया, हैव है तो हैव लिख दिया, अब रिटर्न कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो बी के अंदर हमने थर्ड फॉर्म लगाई और फिर रिटर्न किया है, तो वाक्य बना हमारा लेटर शुड हैव बीन रिटर्न बाय अस। तो इस प्रकार से हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर किसी भी वाक्य की अगर पैसिव वॉइस बनानी है तो आपको बी, बीन और बीइंग, इन तीन वर्ब में से किसी एक का प्रयोग करना पड़ेगा। इनका प्रयोग करने का सिस्टम एकदम से सिंपल है कि जैसी फॉर्म आती है वैसी बी में लगा दीजिएगा, फर्स्ट फॉर्म आती है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, अगर पहले से थर्ड फॉर्म आ गई तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म कर दो, और अगर आई एन जी फॉर्म आई है तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कर दो। आई थिंक दैट इट इज क्लियर नाउ। तब तक जितना भी हमने समझा उसका थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि आप लोगों को कितना समझ में आया। आपके सामने एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसे हमने एडिंग दिया चाइल्ड्स प्ले, दिस मीन्स इट्स वेरी इजी। एक बार देखकर आप अपने दिमाग में इनका आंसर सेट कर सकते हैं। आप वीडियो को कुछ पल के लिए पॉज कर दीजिए, आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो आशा है आपने एक्सरसाइज कर ली है, तो चलो अब देखते हैं कि पहले का आंसर क्या होगा। वी ईट एप्पल्स प्रेजेंट सिंपल है, एप्पल्स इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे एप्पल्स, और क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है तो इज एमर थर्ड फॉर्म लगानी होगी, एप्पल्स आर ईटन बाय अस। सेकंड सेंटेंस, वी एट एप्पल्स, सब में ऑब्जेक्ट हमने एप्पल्स ही रखा है, तो एप्पल्स ऑब्जेक्ट को उठाने के बाद जैसा कि मैंने बताया था कि अपन बिल्कुल शुरू से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, वी सब्जेक्ट है जो लास्ट में जाएगा, और क्योंकि ये पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल की पैसिव वॉइस वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म से होती है, तो वाक्य हमारा बनेगा एप्पल्स वर ईटन बाय अस। थर्ड सेंटेंस में वही एप्पल्स ऑब्जेक्ट हैं, अपने इसको सब्जेक्ट बनाया, एप्पल्स आर, और क्योंकि आगे आईएनजी फॉर्म दी हुई है तो एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय अस। फोर्थ सेंटेंस में भी देखो आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस बनानी है तो हमें बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, और इस प्रकार से हमारा सेंटेंस होगा एप्पल्स were being eaten by us। फिफ्थ और सिक्स
सेवंथ। इन तीनों सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है ईटन, और थर्ड फॉर्म होने का मीनिंग हुआ कि इसमें हमें बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो सेंटेंस हमारे बनेंगे एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय अस। सिक्स सेंटेंस का आंसर होगा एप्पल्स हैड बीन ईटन बाय अस, और सेवंथ बनेगा एप्पल्स विल हैव बीन ईटन बाय अस। इसी प्रकार से हमारे पास तीन सेंटेंसेस और रह जाते हैं, एट और नाइन। दोनों सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। दिस मीन्स कि हमें पैसिव्स बनाते समय बी प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब सेंटेंस बनेगा हमारा एप्पल्स विल बी ईटन बाय अस। नाइन्थ नंबर एप्पल्स मस्ट बी ईटन बाय अस। और टेंथ सेंटेंस में फिर से देखिए कि थर्ड फॉर्म दी हुई है, और जब थर्ड फॉर्म दी हुई है तो पैसिव जब बनाएंगे तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म हमें लगाना होगा, और सेंटेंस हमारा बनेगा एप्पल्स शुड हैव बीन ईटन बाय अस। आई होप दैट योर आंसर्स आर करेक्ट। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज लिसन टू द वीडियो अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रॉब्लम दे आर। अब तक जितने भी सेंटेंसेस हमने देखे हैं, जैसा हेल्पिंग वर्ब दिया गया है उसको वैसा ही हमने रखा है। और एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो ये ध्यान रखने की बात है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डू डज और डिड के अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता है। टेंस नहीं बदलता का मीनिंग हुआ कि आप उसको सिंगुलर प्लूरल में तो चेंज कर सकते हैं कि इज दिया हुआ है तो वो आर में हो सकता है, एम में हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल का चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इज एम आर दिया हुआ और वॉज वर्ब में चेंज कर दें, या वॉज वर्ब दिया हुआ है इज एम आर में चेंज कर दें। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है वो उसी टेंस का रहेगा। इतना ही संभव है कि इज की जगह आर हो सकता है, आर की जगह इज हो सकता है, या एम हो सकता है। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए एग्जांपल के तौर पर हमने लिए हैं शी इज टाइपिंग स्टोरीज। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा जो है वो शी है, शी सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया है। लेकिन जब पैसिव बना रहे हैं तो हमारा पैसिव का जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन बन रहा है, स्टोरीज बन रहा है, स्टोरीज प्लूरल हो गई, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम इज तो नहीं लगा सकते, हमें इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा, आर। इसी प्रकार से वी आर रीडिंग अ बुक, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वी है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लगाना पड़ेगा। लेकिन जब इसको हम पैसिव बना रहे हैं तो ए बुक सब्जेक्ट बन रहा है, ए बुक सिंगुलर है तो हमने इज लगाया है। इसी प्रकार से थर्ड सेंटेंस में देखें हिज चिल्ड्रन वर लर्निंग फ्रेंच। हिज चिल्ड्रन इसका सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल है तो हमने वर का प्रयोग किया है। लेकिन जब पैसिव को देखेंगे तो पैसिव का सब्जेक्ट हमारा क्या है, फ्रेंच। फ्रेंच अपने आप में सिंगुलर है तो इसलिए हमने वर की जगह वॉज कर दिया है। फोर्थ सेंटेंस में हम देख रहे हैं यू हैव लॉस्ट द मैच। यू के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब पैसिव में सब्जेक्ट हमारा द मैच बन जाएगा तो वो सिंगुलर होगा, और इसी वजह से हमें यहाँ पर मैच के साथ हैज का प्रयोग करना पड़ा है। तो ध्यान रखिएगा कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डू डज और डिड के अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता है, केवल सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस आ सकता है।